हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि आज के लिए जो हमने डिस्कस किया था उसका किस तरह का रिस्पांस रहा है। देखिए, यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा था, हमने डिस्कस किया था कि ये ब्रेक हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है। हमने ऑल दो बहुत छोटे टारगेट्स रखे थे और हमने ये भी डिस्कस किया था कि 11:30 बजे के अराउंड जो है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ सकता है। रात को 11:30 बजे जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन रिलीज हुआ वो हमने टाइमली आपको अपडेट कर दिया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर आपने वहाँ पे रेफरेंस लिया होगा तो आपको जरूर यहाँ पर एक मोमेंटम आप कैच कर पाए होंगे। तो यहाँ से देखिए, स्ट्रॉन्ग मूव आया, हमारे सारे टारगेट्स जो है अपसाइड के एक्टिवेट हुए और वही सारे के सारे मार्केट हिट करती हुई चली गई। उसके बहुत बाद तक भी मार्केट ऊपर तक चलती रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज गैप अप के साथ ओपन हुई है मार्केट। गैप अप के साथ, थोड़ी सी गैप अप के साथ ओपन होने के बाद मार्केट बहुत स्ट्रांगली, जो आप कैंडल देख रहे हैं, काफी स्ट्रांगली इस कैंडल के साथ नीचे की तरफ गिरी थी, लेकिन वापस ऊपर तक रिकवरी कर गई है। तो यहाँ के बाद मार्केट जो है साइडवेज ही रही, क्योंकि जो डाटा का इम्पैक्ट था वो मार्केट में अब खत्म हो चुका है। और अगर यहाँ से हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरी भी है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रही है इस कैंडल ने। देखिए, यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, देखिए ड्रॉ करके देखते हैं यहाँ से हम, यहाँ पे देखिए मार्केट एक तरह का एम पैटर्न बना रही है, एम पैटर्न बना रही है। ये इसकी नेकलाइन थी, इस नेकलाइन से नीचे यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश करिए। अगर आप इसको प्रॉपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये नेकलाइन किस तरह की नेकलाइन है। यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक करने की कोशिश करी थी। इसके बाद यहाँ पे एक कैंडल बनी हमें कि एक नेकलाइन ब्रेक हो चुकी है, लेकिन इमीडिएटली हमें ग्रीन कैंडल भी मिल गई है। 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम यहाँ पे स्विच करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन जब से कोशिश करी उसके बाद से मार्केट साइडवेज ही बनी हुई है और मार्केट बहुत छोटी कैंडल्स दे रही है, वीक कैंडल्स दे रही है। यानी कि यहाँ से अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ का मोमेंटम लिया तो मार्केट वापस ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर सकती है। और अगर मार्केट यहाँ से थोड़े से नीचे की तरफ सस्टेन कर पाई तो मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउनसाइड का भी ले सकती है। वैसे यूजली ऐसा होता है कि अगर मार्केट किसी डाटा की वजह से स्ट्रॉन्ग मूव लेती है अपसाइड का या फिर डाउनसाइड का, तो धीरे धीरे मार्केट जो है अपने लेवल पर, जहां पर डिमांड और सप्लाई की वजह से मार्केट रिस्पॉन्ड कर रही थी, सेम उस लेवल तक मार्केट धीरे धीरे तक आ जाती है। तो अगर इस रूल को हम फॉलो करें तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी, लेकिन अभी थोड़ी सी वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है। 15 मिनट्स के चार्ट पे भी हमने देखा कि अभी वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है, मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में ट्रैप हो चुकी है, इनके बाहर मार्केट क्लोज नहीं दे पा रही है। तो अगर इनके बाहर मार्केट क्लोज दे पाती है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम डाउनसाइड का या फिर अपसाइड का देखने को मिल सकता है। तो ये था डॉलर इंडेक्स, ये वाली ट्रेंड लाइन हम डिलीट कर देते हैं, ये भी हमारे पास किसी काम की नहीं रही है क्योंकि ये ब्रेक हो चुकी है। ये वाली सपोर्ट लाइन भी हम रेज कर देते हैं क्योंकि ये भी अब यहाँ से हमें जरूरत नहीं रही है। ये वाला लेवल भी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी टूट चुकी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है आज और गोल्ड ने किस तरह से हमारे टारगेट्स के साथ रिस्पॉन्ड किया है। तो देखिए, ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है कि अगर डॉलर ऊपर गया था तो गोल्ड नीचे ही गिरा था। यहाँ पे गोल्ड में हमने मार्क किया हुआ था 1945 का इम्पोर्टेंट लेवल। और यहाँ से देखिए आपको एक ये जो कैंडल देखने को मिल रही है, जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न की तरह है। तो यहाँ से इवनिंग स्टार पैटर्न देखने के बाद हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल गई और डाटा भी आया था नेगेटिव गोल्ड के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का मूव हमें देखने को मिला और मार्केट बहुत स्ट्रॉन्गली नीचे की तरफ गिरी और गिरती ही गई है। हमारे सारे लेवल्स जो है मार्केट ने ब्रेक किए हैं और हमारे जो टारगेट्स थे उनको भी मार्केट क्रॉस करते करते बहुत आगे तक निकल गई है, बहुत नीचे तक गिर चुकी है। तो हम डे के चार्ट पे स्टार्ट करते हैं और डॉलर इंडेक्स पे स्टार्ट करेंगे। एक बार ड्रॉइंग्स ऑफ करेंगे डे के चार्ट पे। अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो यहाँ पे देखिए मार्केट जो है इससे ऊपर जा नहीं पा रही है। मार्केट कोशिश कर रही है, हमें ग्रीन कैंडल्स देने की कोशिश कर रही है, साथ में एक अप ट्रेंड भी बन रहा है। यहाँ पर अप ट्रेंड से भी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्गली सपोर्ट ले रही है। अगर आप ड्रॉइंग्स ऑन करके देखेंगे, यहाँ पे हमें एक लाइन बनती नजर आ रही है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है। इस लाइन को हम एक बार ड्रॉ करेंगे यहाँ से। यहाँ से हमने ड्रॉ किया है, ये देखिए यहाँ से मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, अभी फिर से मार्केट सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो एक अप ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है और इससे मार्केट सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। ये ट्रेंड अभी भी टूटा नहीं है। तो और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लेवल ये जो बना हुआ है यहाँ पर, इस लेवल के को मार्केट जो है ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी बना हुआ है और डाउनसाइड पे हमारे पास एक सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो दोनों ही तरफ से मार्केट जो है ट्रैप सी होती हुई नजर आ रही है। तो हम चलते हैं बनावा के चार्ट पे और जो लेवल्स हमारे काम के हैं सिर्फ उसी के ऊपर ही हम फोकस करेंगे, बाकी सारे लेवल्स हम इग्नोर करेंगे। ये जो आप लाइन दिख रही है हमारी ट्रेंड लाइन है, जो हमने अभी अभी आपके सामने ड्रॉ करी है डे के चार्ट पे, ये सेम ट्रेंड लाइन है। बनावा के चार्ट पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे चली जाती है, लेकिन डे की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग मार्केट जो है इस लेवल से बहुत स्ट्रॉन्गली सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। अब अगर हमें ट्रेड प्लान करना है तो हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। देखिए, अभी मार्केट जो है नीचे की तरफ गिर रही है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है 105.318 को हिट करेगी ही करेगी।
तो ये हमारा भी डिसिसिव लेवल हो जाएगा सेल साइड के लिए, इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। अपसाइड के लिए 105.407 हमारा डिसिसिव लेवल रहेगा, इसको भी ब्लैक मार्क कर लेते हैं। अब हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, देखिए अगर 105.318 ब्रेक करती है तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी और ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आएगी, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 105.260 का। और ये ब्रेक होते ही हमें मल्टीपल ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मल्टीपल ट्रेड्स देखने को मिलेंगे 105.211, 105.139, 105.064 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल्स को हम सबसे पहले ग्रीन मार्क कर लेते हैं क्योंकि हमारे डाउन साइड के टारगेट्स हैं, और आपको पता है कि हमें ट्रेड कैसे लेना है। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको पता है कि लेवल्स के ऊपर हमें ट्रेड कैसे लेना होता है। अब अगर आप सेफ प्लान करना चाहते हैं तो जैसे ही आपके लेवल को हिट करें मार्केट, आप वहां से एग्जिट कर जाइए। और अगर आप थोड़ी सी पेशेंस रख सकते हैं और आप थोड़ा सा रिस्क बेयर कर सकते हैं तो आप अपने ट्रेड को चलने दीजिए। और अगर आपको कोई इंडिकेशन मिलती है, इंडिकेशन का मतलब है यानी कि अगर आपको कोई ऐसी कैंडल मिलती है जो आपको वीक नजर आ रही है, जैसे कि हम यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रीन कैंडल मिली, डोजी मिला, एक रेड कैंडल मिली, उसके बाद हमें ये वाली कैंडल मिली है, मार्केट में दोनों की तरफ दोनों साइड पे बराबर विक आई है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि एक तरह से डोजी टाइप ही है ये। उसके बाद यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिली, मार्केट काफी ऊपर तक गई थी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर हमें इस विक के थ्रू सेलिंग दिखाई है, सेलिंग दिखाने के बाद ये वाली रेड कैंडल ने हमें कंफर्म कर दिया अभी मार्केट जो है नीचे जाने वाली है, और उसके बाद देख सकते हैं आप काफी ज्यादा नीचे तक मार्केट गिरी भी है। तो इस तरह की अगर आपको कोई इंडिकेशन मिलती है तो आप उसको जरूर ध्यान में रखिए और उसके बेसिस पर आप ट्रेड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अपसाइड पे अगर हमें ट्रेड प्लान करना है तो हमें क्या करना होगा, 105.407 को ब्रेक होने देना होगा। ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 105.458 का। इसके बाद नेक्स्ट लेवल रहेगा हमारा, देखिए एक लेवल हमें यहाँ पे मार्क करना होगा, ये वाला लेवल है यहाँ पे 105.540 का लेवल है। बहुत स्ट्रॉन्गली मार्केट ने यहाँ पे 5-6 घंटे सपोर्ट लिया है, उसके बाद ये लेवल मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करने लग गया, तो ये लेवल हमें सेफ प्लान करने के लिए मार्क करना होगा। 105.458 ब्रेक करता है तो 105.540, 105.597, 105.672 हमारे लेवल्स रह सकते हैं। तो मल्टीपल लेवल्स मार्क करके रखिए अपने पास, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। सेल साइड पे थोड़ा सा कॉशियसली प्लान कीजिएगा क्योंकि डे के चार्ट पे हम देख रहे हैं इस ट्रेंड लाइन से मार्केट बहुत स्ट्रॉन्गली सपोर्ट ले रही है। अगर आप सेल साइड पे कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप सेल साइड अवॉइड कीजिए क्योंकि सपोर्ट लाइन जो है अभी तक ब्रेक नहीं हुई है, तो इसको डे के चार्ट पे अगर हम देखें तो ये हमें हमारी मार्केट को ज्यादा स्ट्रॉन्गली नीचे गिरने से रोक सकती है। तो अगर बाय साइड जाती है तो आप जरूर बाय साइड प्लान कीजिए, और अगर मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस ऊपर की तरफ जाती है तो आप बेफिक्र होकर बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं क्योंकि मार्केट जो है इस लेवल से सपोर्ट लेकर फिर बाउंस बैक करेगी, तो हमें कंफर्मेशन और मिल जाएगी कि मार्केट हमें यहाँ पे सपोर्ट दे रही है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और इन चीजों के बेसिस पर आप अपना ट्रेड प्लान कल प्लान कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरफ का मोमेंटम रह सकता है। डे के चांसेस अगर हम स्टार्ट करते हैं, ड्रॉइंग्स ऑफ करेंगे एक बार, और देखिए हमें आज एक बेरिश कैंडल देखने को मिली है। अगर आप इस ट्रेंड को थोड़ा सा नोटिस करेंगे, यहाँ से देखिए मार्केट नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है, यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, कॉन्सोलिडेट हुई, फिर नीचे की तरफ गिरी, अब ऊपर की तरफ गई है, कॉन्सोलिडेट हुई है, अब फिर से नीचे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ से देखिए एक लो बना था, हाई बना, एक हायर लो बना, और उसके बाद एक लोअर हाई बना, यानी कि ये एक तरह का, अगर हम एक ब्लैंक एरिया में चलते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक तरह का इस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है, इस तरह का हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है डे के चार्ट पे। अब वापस चलेंगे जहां पे हमारे ट्रेंड था, यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है यहाँ से, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हम अपने ड्रॉइंग्स को ऑन करते हैं, यहाँ पे आपको काफी हॉच पॉच नजर आ रहा है, बट हमें उन्हीं लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना है जहां पर मार्केट अभी काम कर रही है। तो ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन सेम वही लाइन है जो हमें ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस दे रही है, और डाउन साइड पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे अभी, यहां से ड्रॉ करते हैं, और ये देखिए यहाँ पे हमें एक सपोर्ट लेती हुई मार्केट नजर आ रही है, इसको भी हम ब्लू मार्क कर लेते हैं। तो ये लेवल्स है हमारे पास अभी जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांगली दे रहे हैं, अभी मार्केट जो है एग्जैक्टली इसी लेवल से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी हमें अगर ट्रेड प्लान करना है तो हमें क्या करना होगा उसको हम नोटिस करते हैं। 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे क्योंकि हमारे जो
लेवल्स हम फाइंड आउट करते हैं वो हम बनाना के चार्ट पे ही निकालते हैं। और यहाँ पर देखिए मार्केट ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, कॉन्टिन्यूसली नीचे गिर रही थी, उसके बाद नीचे गिरने के बाद हमें यहाँ पर एक डोजी देखने को मिला है, एक डोजी देखने को मिला है, उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, यानी कि यहाँ से मार्केट जो है अपसाइड का मूव ले सकती है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी वॉल्यूम कमजोर होती हुई नजर आ रही है और मार्केट जो है मूवमेंट नहीं आ पा रहा है, मार्केट में साइडवेज ही चल रही है मार्केट। तो मार्केट अगर थोड़ा सा भी अपसाइड का स्ट्रांग मूव हमें दिखा देती है, डाउन साइड का स्ट्रांग मूव दिखा देती है, तो हम उस साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब अपने लेवल्स पे आते हैं, हमारे पास जो डिसेसिव लेवल्स हैं, हमारे पास सबसे पहले एक डिसेसिव लेवल है 1918 का, अपसाइड के लिए डिसेसिव लेवल रहेगा हमारा 1920 का। अगर 20 ब्रेक होता है तो बहुत इजीली हमें 1922 का टारगेट मिलेगा, 1925, 26 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और इन केस अगर मार्केट 1918 को ब्रेक करती है तो 1916 फर्स्ट टारगेट और ये ट्रेंड लाइन हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हमें थोड़ी सी वेट करनी होगी, ये जो गैप आ रहा है इस ट्रेंड लाइन और 1913 के बीच का, इसको हमें अवॉइड करना है, इस एरिया में हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर मार्केट 1913 के नीचे क्रॉस करेगी तो हम 1908 का टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं ट्रेड प्लान करने में और हमें गाइड भी करेंगे कि हमें कहाँ पर आकर मार्केट रेस्ट ले सकते हैं और कहाँ पर आकर हम एग्जिट और एंट्री बना सकते हैं। अब हम चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। देखिए टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों इंपॉर्टेंट है। आप एक के बेसिस पर अगर ट्रेड प्लान करेंगे तो आपको थोड़े टाइम तक प्रॉफिट होगा, नेक्स्ट टाइम आपको क्या होगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही फैक्टर्स जो है मार्केट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली इंपैक्ट करते हैं। तो अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस को सपोर्ट दिया फंडामेंटल एनालिसिस के साथ तो आपको जरूर मार्केट से प्रॉफिट अर्न होगा। तो इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस भी जरूरी है, उसके हम स्विच करते हैं अपने बोर्ड पर। और देखिए कल काफी सारा डाटा आ रहा है, सर्विसेज पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी आ रहा है, यूरोप का भी पीएमआई आ रहा है, तो छोटे छोटे डाटा है, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो उसके लिए आप डिटेल में गो थ्रू करें हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू करें, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अदरवाइज जो एक स्ट्रॉन्ग मूव हमें देखने को मिल सकता है, एक तो बैंक जापान का डाटा आ रहा है, बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ रहा है, ये फोरकास्टेड लेवल्स है, ये प्रीवियस लेवल्स है, एक्चुअल लेवल्स हमें कल सुबह 8:30 बजे रिलीज होते हुए नजर आएंगे। अगर ये इंटरेस्ट रेट स्ट्रांगली आ जाता है, यानी कि बढ़ा हुआ आ जाता है, -10 है, -5 आ जाता है, -2, 3, -4 आ जाता है, तो यहाँ पे हमें बैंक ऑफ जापान के जो जापान की करेंसी है JPY USD है उसमें एक स्ट्रॉन्ग अपसेट का मूव देखने को मिल सकता है। तो साथ में हम आपको यहाँ पे एक करेंसी पेयर भी बता रहे हैं, उस टाइम पे आप यहाँ पे उस करेंसी पेयर में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो JPY USD में स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है अगर पॉजिटिव डाटा आया तो, और अगर नेगेटिव डाटा आया तो JPY USD नीचे की तरफ गिर सकता है। और अगर सेम डाटा आया यानी कि -10 और -10 ही आ गया तो उसमें आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी देर वेट करनी है, 5-7 मिनट वेट करनी है। 5-7 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरफ का मोमेंटम ले रही है। जैसे कि आज हुआ, आज भी जो इंटरेस्ट रेट रिलीज हुआ है US का वो ऑलमोस्ट सेम ही था, सेम ही इंटरेस्ट रेट आया था, लेकिन उसके बावजूद भी US डॉलर हमें बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आया है। तो मोमेंटम को कैरी करने की कोशिश कीजिए, अगर डाटा सेम आता है तो मोमेंटम जो आएगा उसके बेसिस पर आपको ट्रेड प्लान करना है। जिस भी साइड पर मार्केट जा रही होगी थोड़ी सी देर वेट कीजिए, वॉच कीजिए, उसके बाद एंट्री लीजिए। उसके बाद 7:15 बजे शाम के टाइम पर US का सर्विसेज PMI का डाटा आ रहा है, जितनी बड़ी भी यहाँ पर वैल्यू आएगी उतना ही DXY ऊपर की तरफ जा सकता है, और जो इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स के ऊपर पड़ेगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें XAU USD पे पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ गया तो गोल्ड हमारा नीचे की तरफ गिर सकता है, क्योंकि गोल्ड जो है एक सेफ करेंसी माना जाता है और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव माना जाता है। तो अगर लोगों को डर लगता है डॉलर इंडेक्स में उनका लॉस होना शुरू होता है तो यहाँ से पैसा निकाल के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, और अगर उनको लगता है कि डॉलर बढ़ रहा है तो गोल्ड से पैसा निकाल के वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और अगर आप हमारी कोई स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं तो आप हमारी EMA की जरूर स्ट्रैटेजी यूज करके देखिए, फॉरेक्स में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है वो, और उसका जो लिंक है आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा उसमें आपको मिल जाएगा। जो भी आपको उसमें कंडीशंस दी हैं उसको फुलफिल होने दीजिए तभी एंट्री लीजिएगा, साथ में मार्केट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं उनको जरूर रिस्पेक्ट दीजिएगा। ये दो चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये स्ट्रैटेजी हमेशा ही आपको प्रॉफिट ही करके देगी।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।